असलकुम दोस्तों क्या हाल चाल है मैं हूँ तुबा दुरानी और आज मैं कोई भी लोग लेके नहीं आई हूँ आज मैं कुछ बातें करने जा रही हूँ आप लोगों से जो कि एक सच है और काफ़ी लोग इस बात से एग्री भी करेंगे और काफ़ी लोगों को ये बातें मेरी बुरी भी लगेगी लेकिन ये बात सच है जो मेरे दिल में मेरे दिमाग में आए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए जब हम लोग परदेश में आते हैं ना तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमारा मुल्क कितना अच्छा है हमारे मुल्क के लोग कितने अच्छे हैं और हमारा मुल्क कितना अनमोल है मैं भी ऐसे ही गैलरी में खड़ी थी तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे और हमारे मुल्क में क्या फ़र्क है कोई फ़र्क नहीं है सब एक जैसी है सब चीज़ें एक जैसी है मैंने जब ये सोचा कि नहीं वहाँ पे महंगाई है अगर तो महंगाई करने वाले भी लोगे, ही हम ही लोग हैं यहाँ पे रूल फॉलो करते वही हम लोग हैं अगर हम यही रूल्स हमारे मुल्क में फॉलो करेंगे तो हमारा क्या चला जाएगा कुछ भी नहीं जाएगा बल्कि हमारा मुल्क और अच्छा हो जाएगा हमारे मुल्क में भी रूल्स है हमारे मुल्क में भी सब कुछ है जब मैंने यहाँ की सड़कों को देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे और हमारे मुल्क में क्या है अगर देखा जाए हमारे कराची के अंदर भी अगर हम डिफेंस साइड पर चला जाए तो वहाँ पर भी इसी तरह साफ़ सुथरी सड़कें मिलेगी और वहाँ पर भी लोग इंग्लिश बोलते हुए मिलेंगे हमारा इस्लामाबाद है मरी इस्लामाबाद कोई यू से कम नहीं है कितना ख़ूबसूरत है वहाँ की सड़कें इतनी साफ़ सुथरी है वहाँ पर इतने अच्छे लोग पढ़े लिखे लोग रहते हैं तो हमारा मुल्क कोई बुरा नहीं है हमारे मुल्क में जो सिस्टम बनाने वाले हैं वो हम ही लोग हैं हम ही अच्छा सिस्टम बनाते हम ही बुरा बनाते कोई मिट्टी बुरी नहीं होती कोई वतन बुरा नहीं होता मुझे याद आ रहा था अपना बचपन मैंने बचपन हमारा कैसे स्कूलों से निकलते हुए गंडा गोला खाना या आलू खाना ये चीज़ें मुझे बहुत याद आ रही थी खट्टे आलू गंडा गोले खाने और वो रेस्टोरेंट याद आ रहे थे जिसमें चरपाई बाहर होती थी तो क्या फ़र्क है हमारे यहाँ पे भी जो कैफेट होते हैं उसके बाद टेबल लगे हुए होते हैं तो वहाँ बड़े शौक से बैठ के कॉफ़ी वगैरह पी लेते लेकिन हमारे अगर पाकिस्तान में चरपाया पे बैठना अब हम लोगों को ऐब लगता है बट सॉरी वो ही चीज़ें जो इन लोगों ने हमसे ही टेक के फॉलो किए बात पे हम लोग यही करते कि महंगाई है महंगाई है महंगाई है तो महंगाई करने वाले भी कौन है हम ही लोग हैं कि हम लोगों ने ही महंगाई बढ़ाई है और हम लोग ही महंगाई को कंट्रोल भी कर सकते हैं हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे रूल्स हैं यहाँ पे ऑफ़र्स लगती हैं यहाँ पे हर जगह डिस्काउंट होता है तो ये डिस्काउंट क्या चीज़ है मैंने कुछ देर के लिए सोचा तो ही मुझे पता चला कि डिस्काउंट भी तो हम लोगों से ही सीखे देखिए हमारे पाकिस्तान के अंदर रेडी वाले निकलते हैं एक रेडी वाला निकलता है कि मिसाल के तौर तो पे कि आलू बेच रहा है आलू दस रुपये किलो आलू दस रुपये किलो आलू दस रुपये किलो वही आलू जब शाम के टाइम पे वो रेडी वाला फिर से आवाज़ लगा कि आलू पंद्रह दो किलो दस रुपए के किलो आलू पंद्रह के दो किलो दस रुपए के किलो की तो क्या हुआ ये डिस्काउंट ही तो हुआ पंद्रह रुपए में आपको दो किलो आलू मिल रहे हैं पाँच रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है जहाँ पे आलू आपको दस रुपये के एक किलो है दो किलो पंद्रह के मिल यानी ये डिस्काउंट भी इन लोगों ने हमसे ही सीखा है बस ये है कि हमारे जो मुल्क में ये डिस्काउंट थे वो सादगी में होते थे और यहाँ ज़रा ऑफर्स और मॉलों में और पढ़े लिखे इंग्लिश में बोले जाने वाले डिस्काउंट होते खैर अब तो हमारा मुल्क भी बहुत तरक्की कर चुका है वहाँ पे भी बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं और वहाँ पे भी डिस्काउंट लगते हैं लेकिन ये डिस्काउंट अगर देखा जाए तो बाहर मुल्क वालों ने हम पाकिस्तानों से ही सीखे ग्रोसरी का सामान घर पे डिलीवर करना हम पाकिस्तानियों से ही सीखा है क्योंकि मुझे अभी तक याद है मेरी अम्मी सामान लेने जाया करती थी ग्रोसरी का तो ग्रोसरी में जो राशन वाले की दुकान पे लड़का काम करता था वो लड़का हमें खुद सामान देने आता था तो ये चीजें सब उन्होंने हमसे ही सीखी है हमने उन लोगों से नहीं सीखी ये बात थोड़ी थी कड़वी जरूर है मैं नहीं समझती कड़वी है लेकिन अगर किसी को ये बात बुरी लग रही हो तो आई एम सॉरी लेकिन ये हकीकत है ये बहुत बड़ी हकीकत है और ये अब तस्लीम करना ज़रूरी कि हमारा मुल्क बुरा नहीं है वहाँ के जो रूल्स हैं वो ज़रा हम लोगों ने यहाँ पे पर दूसरे मुल्कों में आकर अब पढ़े लिखों में रहकर हम समझ रहे थे कि ये असूल उन लोगों के बनाए हुए हैं जी नहीं हमारे खुद के बनाए हैं पाकिस्तान में से ही बने हैं लेकिन हमने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की और ना ही हमने कभी ये समझ करने की कोशिश की कि हम अपनी मादरी जबान को आगे पहुँचाएँ या हम अपनी मादरी ज़बान को फर्स्ट एंड फोर्थ बनाएँ हम बाहर मुल्कों में आकर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं या ऐसी इंग्लिश तो लाजमी बोलते हैं इंग्लिश बोलना तो ऐसा समझा जाता है कि जैसे कोई बहुत बड़ी फख्र की बात है लेकिन मैं नहीं समझती कि हमें इस तरह की ये करना चाहिए हमें अपनी मारी ज़बान है ना वो फर्स्ट एंड फोर रखनी चाहिए मैं यही समझती हूँ कि मादरीबान इज़ द बेस्ट है इसलिए मैं अपना विलोक में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर उर्दू बोलती हूँ और मैं उर्दू ही बोलने की कोशिश करती हूँ और मेरा यही है कि मैं उर्दू बोलूँ उर्दू बोल कर ही ना अपने बच्चे को भी यही सिखाऊँ मैं अब्दुल्ला को भी यही सिखाना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कि अब्दुल्ला उर्दू बोलता है अभी तो खैर छोटा है तो स्कूल में जाएगा तो उसे इंग्लिश और अरबिक ये सब चीज़ें तो अब्दुल्ला को आ ही जाएगी क्योंकि अब्दुल्ला के लिए कोई चीज़ नहीं, नहीं होगी लेकिन मादरी ज़बान अब्दुल्ला को आना बहुत ज़रूरी है तो इसलिए हमें और मेरे हस्बैंड अब्दुल्ला से सिर्फ उर्दू में ही बात करते हैं कि कल के अगर हमें अपने मुल्क जाना ही पड़े और ऑफ़कोर्स हमें मुल्क जाना ही पड़ेगा घूमने ही तो तो हम अपने मुल्क जरूर ही जाएंगे तो ये हमारे लिए कि हमारे बच्चे को ये जानना जरूरी है कि हमारे मुल्क की मादरी जबान क्या है वहाँ की सकाफत क्या है और वहां की चीजें क्या है ये हमें हमारे बच्चों को खुद सिखानी होगी ये नहीं कि हम अपने बच्चे को आर्टिफिशियल दुनिया में रख दें कि नहीं हम तुम्हें बस ये है कि तुम आर्टिफिशियल दुनिया में रहो नहीं हमें अपने बच्चों को अपनी तरह ठोस बनाना है जिस तरह हम मिट्टियों में खेलें हम गंदगी में खेले लेकिन हमारा पावर और सिस्टम बहुत मजबूत है हमारा इतना मजबूत है कि कि हम बहुत ताकतवर हैं तो मैं ये समझती हूँ ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है कि हम अपने मुल्क की पहचान अपने बच्चों को पहले से करा दी जाए आई होप आपको ये बातें अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो थैंक यू सो मच बुरी लगी है तो मैं सॉरी कह दूंगी लेकिन बुरी लगी है तो मैं बुरा नहीं मानूंगी कोई बात नहीं ये मेरे दिल में जो भी भड़ास थी मैंने निकाली है जो जो बातें थी वो मैंने आप लोगों को बताई कि आप पता नहीं मेरी इस बात से एग्री भी करते हैं कि नहीं करते हैं लेकिन ये छोटी सी ऐसी बातें थी जो मुझे बहुत चुभ रही थी और अचानक मुझे जब याद आया कि यार ये डिस्काउंट वगैरह की बातें करते हैं लोग तो ये बातें तो हमारे मुल्क में पहले से ही तो ये थे कि वो हमारे मुल्क के लोग जो ये बेचने वाले लोग हैं इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे लेकिन डिस्काउंट तो वो लोग ही देते थे और वो लोग यानी हमारे मुल्क में तो काफ़ी टाइम से ये डिस्काउंट चले आ रहे हैं तो देखा जाए तो ये डिस्काउंट वगैरह ये सब चीज़ें इन लोगों ने हमारे मुल्क में ही से ही सीखी है तो ये कुछ चीज़ें कोई हमारे लिए नहीं नहीं होनी चाहिए ठीक है ना तो सॉरी अगर मेरी बातें कोई बुरी लगी है तो मैं आप लोगों से मदद खवाऊँ लेकिन ये हकीकत ही जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है आई होप आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी है तो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी इसी तरह वीलॉग्स भी बना सकूं और जो बातें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है वो मेरी बातें आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर सकूं ताकि मेरा भी दिल खुले और मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग कैसी राय रखते हैं ज़रूर मेरे मैसेज में मुझे बताइएगा ठीक है अल्लाह हाफिज़ अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़